हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स काटसा के ऊपर। काटसा, अभी काटसा क्या है उसके बारे में समझते हैं कि रिसेंटली यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू द नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट NDAA, प्रपोजिंग इंडिया स्पेसिफिक वेवियर अंडर द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरीज थ्रू द सेंसन्स एक्ट। काटसा का फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरीज थ्रू द सेंसन्स एक्ट। काटसा एक्ट US के द्वारा 2017 के अंदर फ्रेंड्स बनाया गया था कि जहाँ पे अगर कोई भी कंट्री अमेरिका की जो दुश्मन कंट्री है उसके साथ ज़्यादा रिलेशन रखेगी उसके ऊपर अमेरिका इस एक्ट के अंडर में सेंसन्स लगाती है। तो अभी ये काटसा एक्ट रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि US के द्वारा काटसा एक्ट के अंडर में इंडिया को वेवियर मिल गया है कि US विल अलाउ इंडिया टू फ्रीली परचेज रशियास S-400 मिसाइल सिस्टम विदाउट द फियर ऑफ द अमेरिकाज सेंसन्स। अभी देखो, ये जब काटसा एक्ट 2017 के अंदर US के द्वारा लॉन्च किया गया था, एक्चुअली ये ट्रंप के द्वारा ये एक्ट लॉन्च किया गया था काटसा, तब US ने बोला था कि अगर कोई भी कंट्री हमारी जो एनिमी कंट्रीज है उसके साथ ज़्यादा रिलेशन रखे कि हम उसके ऊपर सेंसन्स लगाएगी। अभी सेंसन्स US के द्वारा कौन कौन से लग सकते हैं कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर ज़्यादातर ट्रेडिंग डॉलर्स के अंदर होते हैं, तो US एक वो सेंसन लगा सकता है कि कोई भी कंट्री उस कंट्री के साथ ट्रेडिंग डॉलर के अंदर नहीं कर सकता, राइट। उसके अलावा वो पर्टिकुलर कंट्री US के साथ भी ट्रेडिंग नहीं करेगी, मतलब इस टाइप की सेंसन्स लगा सकती है, राइट। जब ये एक्ट US के द्वारा लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर, तब US के द्वारा बोला गया था कि भाई जो भी कंट्री रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप रखेगी हम उसके ऊपर सेंसन्स लगा देंगे। कौन से सेंसन्स? कि US डॉलर के अंदर वो कंट्री ट्रेडिंग नहीं कर सकती, उसके अलावा वो पर्टिकुलर कंट्री के जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस रखेगी उनके साथ US भी ट्रेडिंग नहीं करेगी, राइट। इस टाइप के सेंसेंस वो US इस एक्ट के अंडर में लगा सकती है, राइट। तो कौन कौन सी तीन कंट्री के ऊपर US ने ट्रेडिंग करने को ना बोला है? रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और अगर फ्रेंड्स आपको पता हो कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कहाँ से करवाते हैं? रशिया से करवाते हैं, राइट। तो वैसे अगर ये एक्ट 2017 के अंदर लॉन्च किया गया है US के द्वारा तो हमारे ऊपर तो सबसे पहले ये सेंसन्स लगने चाहिए, लेकिन US ने कभी भी काटसा एक्ट के अंडर में इंडिया के ऊपर सेंसन्स नहीं लगाए हैं क्योंकि उसको पता है कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया चाइना के साथ काउंटर करने के लिए उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अभी लीगली इस एक्ट के अंडर में US के द्वारा काटसा एक्ट के अंडर में उसको वेवियर मिल गया है इंडिया को कि इंडिया अभी S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम वो रशिया के साथ परचेस करती है वो अभी काटसा एक्ट के अंडर में उसको उसके लिए वेवियर मिल गया है कि वो उसके लिए जो ट्रांजेक्शन है वो डॉलर में कर सकता है। इंडिया 2017 से लेके अभी तक बहुत सारा ट्रांजेक्शन रशिया के साथ उसने डॉलर्स में किया है, कभी भी US ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन इस बार एक लीगली उसने इस एक्ट के अंडर में इंडिया को वेवियर दे दिया है, इसके लिए ये रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, राइट। यहाँ पे US प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई थी 2018 के अंदर कि वो वेवियर दे सकते हैं काटसा एक्ट के अंडर में केस बाय केस बेसिस के ऊपर, राइट। यहाँ पे काटसा एक्ट के अंडर में हमको पहले से ही वेवियर मिलता आया है, राइट। और काटसा एक्ट के अंडर में US ने कभी भी इंडिया के ऊपर सेंसन्स नहीं लगाए हैं कि इंडिया इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है तो हम उसके ऊपर सेंसन लगे, क्योंकि US के लिए इंडिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अगर चाइना से काउंटर करना है तो, राइट। ओके, सबसे पहले 2020 के अंदर इस एक्ट के अंडर में तुर्की को बैन किया था US ने,
राइट, कि तुर्की भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो रशिया से परचेस करती थी, तो तुर्की के ऊपर यूएस ने सेंक्शन लगाया था 2020 के अंदर, और यही सेम मिसाइल S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम रशिया के पास अभी परचेस करने जा रहे हैं, तब ये वेवियर काटसा के अंदर में हमको मिल गया है यूएस की तरफ से, राइट। तो ये काटसा एक के बारे में आपको पता चल गया होगा, काटसा एक यूएस के द्वारा 2017 के अंदर लॉन्च किया गया है। उसके अलावा काटसा एक के अंदर में सबसे पहली बार तुर्की के ऊपर बैन लगा था, राइट। और ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेस करने के लिए हमको वेवियर मिल गया है इस एक्ट के अंडर में, राइट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, कि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा प्लान किया जा रहा है कि साल के अंदर एटलीस्ट दो हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाए, राइट, यूजिंग द बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल का यूज़ करके। अभी ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल क्या है, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में ये मॉडल काम करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है फ्रेंड्स, तो अगर गवर्नमेंट को कोई पब्लिक एसेट बनाना है, कोई भी पब्लिक एसेट, राइट, रोड, ब्रिज, कोई भी पब्लिक एसेट अगर उसको बनाना है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं है, तो वो क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर लेगी। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल रोड बनाना है गवर्नमेंट को, एक पब्लिक एसेट है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर रही है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पूरा फंडिंग, ये प्रोजेक्ट का पूरा फंडिंग कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में बेनिफिट क्या होता है, कि फॉर एग्जाम्पल एक रोड बनाना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने L&T के साथ पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे L&T जो रोड बनाने के लिए उसको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो उसको कंसेशनल रेट के ऊपर मिलता है, क्योंकि ये PPP मॉडल के अंडर में गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके ये रोड बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर उसको रॉ मटेरियल कंसेशनल रेट के ऊपर मिलेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, राइट। तो जितने भी साल के लिए गवर्नमेंट और L&T के साथ पार्टनरशिप हुई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है, फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए पार्टनरशिप हुई है, तो 20 साल के लिए जितना भी रॉ मटेरियल L&T को लगेगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। तो एक ये फ़ायदा हो गया। उसके अलावा कि L&T ने इस रोड को डिज़ाइन किया है, रोड को बनाया है, तो फिर वो 20 साल तक L&T ही उसको ऑपरेट करेगी, उसको मेंटेन करेगी, और उसका जो टोल कलेक्शन से जो पैसा आएगा वो L&T ही यूज़ करेगी, राइट। 20 साल तक, जितने साल तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप हुई है उतने साल तक L&T ही उसको ऑपरेट करेगी, और 20 साल की पार्टनरशिप खत्म होने जाने के बाद L&T अपनी ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है, राइट। तो यहाँ पे L&T ने बिल्ड किया, L&T ने ऑपरेट किया, और L&T ने ट्रांसफ़र किया। तो बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफ़र, ये मॉडल वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में बहुत साल से काम करता है, राइट, BOT मॉडल। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्लान किया जा रहा है कि हम BOT मॉडल का यूज़ करके एक साल के अंदर एटलीस्ट दो हाईवे अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करें, राइट। तो ये रिसेंट न्यूज़ है, ओके। और उसके अलावा एक चेंज और भी किया गया है कि यहाँ पे अब तक क्या था कि गवर्नमेंट एवरी 10 साल के बाद ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है उसका इवोल्यूशन करती थी। PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में जो प्रोजेक्ट एक प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है उस प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन गवर्नमेंट हर 10 साल के बाद करती है। अभी इवोल्यूशन करने की ज़रूरत क्या होती है फ्रेंड्स, कि वो प्रोजेक्ट्स के, फॉर एग्जाम्पल L&T ने ये जो रोड बनाया वो रोड के माध्यम से L&T को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या L&T ने जितना इन्वेस्ट किया था क्या उसको उसका प्रॉफिट मिला है, इतना उसको रेवेन्यू मिल रहा है, इस रोड का पोटेंशियल क्या है L&T को इनकम जनरेट करने में, राइट। तो इसका इवोल्यूशन होता है, क्योंकि अगर L&T को लॉस होगा तो कल उठ के कोई भी PPP मॉडल के अंदर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट एवरी 10 साल के बाद इस प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन करती है। तो अभी ये जो 10 साल के बाद करते थे ना प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन, अभी हर 5 साल के बाद ये प्रोजेक्ट का इवोल्यूशन होगा। जो भी प्रोजेक्ट PPP मॉडल के अंडर में काम हो करेगा वो सभी प्रोजेक्ट को हर 5 साल के बाद इवोल्यूट किया जाएगा। एक और चेंज किया गया है ये BOT मॉडल के अंदर। तो आपको आई थिंक ये न्यूज़ के अंदर पता चल गया होगा कि BOT मॉडल के अंदर अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक साल के अंदर एटलीस्ट दो हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट बनाने जाने वाले हैं, ओके। और जो प्रोजेक्ट इवोल्यूशन है पहले 10 साल के बाद करते थे, अभी 5 साल के बाद करेंगे, ओके।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ पे फार्मर्स को अपने क्रॉप के अगेंस्ट में इंश्योरेंस मिलता है कि अगर उसके क्रॉप को कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से कुछ होता है तो यहाँ पे वो अपने क्रॉप के अगेंस्ट में वो क्लेम कर सकता है इस इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में। कोई भी इंश्योरेंस स्कीम हो तो यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर फार्मर को जितना भी प्रीमियम आता है, उसने फॉर एग्जांपल जितना भी इंश्योरेंस लिया उसका जितना भी प्रीमियम आता है उसका 1.5% से लेके 5%, मैक्सिमम 5% प्रीमियम पे करना होता है। 1.5% रबी क्रॉप के लिए 1.5% प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर खरीफ क्रॉप है उसके लिए 2% प्रीमियम पे करना पड़ता है। और अगर कोई कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो उसके लिए 5% प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो मिनिमम 1.5% से लेके 5% का प्रीमियम फार्मर को पे करना होता है। बाकी का 95%, मिनिमम 95% प्रीमियम कौन पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर पे करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को, राइट? रिसेंटली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि 2019-20 के अंदर जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने को ना बोल दिया था। अपने स्टेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने को आंध्र प्रदेश ने ना बोला था। वो अभी फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करवा रही है, इसलिए ये न्यूज़ रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2016 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। सबसे पहले जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो फार्मर्स के लिए जो लॉन्च की गई थी उसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। फिर उसको मॉडिफाइड करके उसका नाम रखा गया नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और उसको फिर रिप्लेस करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम रखा गया 2016 के अंदर, राइट? कि यहाँ पे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज अ रिजल्ट ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट एंड डिसीज। कोई भी नेचुरल कैलामिटी अगर आता है उसकी वजह से अगर कोई नोटिफाइड क्रॉप यहाँ पे फेल होता है तो उसके अगेंस्ट में फार्मर को इसके अंडर में इंश्योरेंस मिलता है। नोटिफाइड क्रॉप के बारे में यहाँ पे बात की गई है फ्रेंड्स, मतलब हर एक क्रॉप के लिए ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जो नोटिफाइड क्रॉप है उसके लिए ही ये इंश्योरेंस मिलेगा, राइट? यहाँ पे फार्मर्स को इस इंश्योरेंस के अंडर में मिनिमम 1.5% से मैक्सिमम 5%, मिनिमम 1.5% से मैक्सिमम 5% वो प्रीमियम पे करना पड़ता है और बाकी का प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है, राइट? जैसे मैंने आपके साथ बात की। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना पे करेगी प्रीमियम उसके ऊपर लिमिट लगाई थी, लेकिन वो अभी वो लिमिट हटा दी गई है। अभी गवर्नमेंट ऐसी कोई भी लिमिट नहीं रखी कि वो मैक्सिमम इतना ही प्रीमियम पे करेगी, वो कितना भी प्रीमियम पे कर सकती है, राइट? अभी रिसेंटली इस योजना को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। एक क्रॉप इंश्योरेंस एप्लीकेशन बनाई गई है कि जहाँ पे फार्मर्स एक इजी वे में एनरोल कर सके इस स्कीम के अंडर में, राइट? और जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी अगर आती है वो तुरंत इस एप्लीकेशन के ऊपर जाके वो क्लेम भी कर सकते हैं, राइट? एक पोर्टल भी बनाया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल, राइट? अभी मैं इस पोर्टल के बारे में बात करता हूँ कि पोर्टल के ऊपर से किस तरीके से इस योजना को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। फ्रेंड्स, आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग इट विथ इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी, मैपिंग इट विथ इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी ऑफ विलेज एरिया, कि विलेज एरिया का सर्वे करना है और उनको मैप करना है विद द इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी। अभी इस स्कीम के अंडर में जो फार्मर्स की लैंड होल्डिंग जो होती है ना
उसको सैटेलाइट्स और ड्रोन के माध्यम से उनको मेज़र किया जाता है। उतना ही नहीं कि उस लैंड होल्डिंग के अंदर फार्मर कौन कौन सा क्रॉप ग्रो करता है उसका डेटा भी यहाँ पे लिया जाता है और एक प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाता है, और ये प्रॉपर्टी कार्ड फिर फार्मर को दिया जाता है। राइट, स्वामित्व स्कीम के अंदर में फार्मर्स को प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है। उस प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है कि उनके पास कितनी लैंड होल्डिंग्स है, और ये लैंड होल्डिंग्स का डेटा उन्होंने कैसे मेज़र किया है, सैटेलाइट्स और ड्रोन के माध्यम से, और उसके अंदर वो क्या क्या ग्रो करते हैं। तो प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे फार्मर को दिया जाता है, और यही प्रॉपर्टी कार्ड की डिटेल हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट करनी होती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट वो डिटेल कहाँ पे अपलोड करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के ऊपर। तो ये पोर्टल के ऊपर ये डेटा अपलोड करने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई फार्मर क्रॉप इंश्योरेंस लेने के लिए गया कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ, राइट, अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या उसको वो जितना बोलेगा उतना इंश्योरेंस दे देगा? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि पहले तो फार्मर के पास वो कितनी लैंड होल्डिंग है, उसका क्रॉप कौन सा है, मैंने आपको बोला नोटिफाइड क्रॉप के लिए ये इंश्योरेंस मिलेगा, वो ये जो क्रॉप जो यहाँ पे उगाते हैं वो लोकेशन देखेगा, तो ये सब चीज़ें उसको ये प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड इंश्योरेंस स्कीम इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से वो प्रॉपर्टी कार्ड को एक्सेस कर पाएगी? ओके, तो फार्मर तो उसको प्रॉपर्टी कार्ड देगा लेकिन उसको कोई जगह से वैलिडेट तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फार्मर का प्रॉपर्टी कार्ड को वैलिडेट करने के लिए एक पोर्टल, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के ऊपर अगर उस फार्मर के प्रॉपर्टी कार्ड का डेटा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको अपलोड किया गया है, तो वहाँ पे वो वैलिडेशन जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगी, तो फार्मर को जल्दी से इंश्योरेंस मिल जाएगा और ये जो क्लेम प्रोसेस होती है उसको भी फास्ट कर देगी। राइट, तो यहाँ पे ये रिसेंट न्यूज़ में एक और न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के ऊपर सब अपने स्टेट के 100% फार्मर्स के प्रॉपर्टी कार्ड को अपलोड करने में अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे फर्स्ट नंबर पे आई है। महाराष्ट्र ने अपने स्टेट के 100% फार्मर्स के प्रॉपर्टी कार्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया है ताकि उन लोगों को जल्दी से क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाए, अगर वो क्लेम करते तो फिर भी उनका क्लेम जल्दी से पास हो जाए। राइट, तो ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो स्वामित्व स्कीम के अंडर में यूज होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कार्ड को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करके उसका डेटा कलेक्ट करके फिर ये पोर्टल के ऊपर अपलोड करती है ताकि फार्मर्स को जल्दी से क्रॉप इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल सके। ओके, तो दो वजह से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर है। एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक पहला स्टेट बना है जिसने अभी सभी फार्मर्स का डेटा ये पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया है, और उसके अलावा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने की बात की है। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 अभी लॉन्च किया गया है, और ये इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टोटल 146 कंट्रीज़ को यहाँ पे इवोल्यूट किया है, और उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया है फ्रेंड्स? 135। जेंडर गैप इंडेक्स मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कैसा काम किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे इवोल्यूशन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। राइट, अगर मैं इंडिया के स्कोर के बारे में बात करूँ तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर वो इम्प्रूव हुआ है, 0.625 था 2021 के अंदर, वो अभी 0.629 हुआ है, तो ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हुआ है। वैसे अगर मैं लास्ट ईयर रैंकिंग की बात करूँ इंडिया की, तो टोटल लास्ट ईयर 156 कंट्री को इवोल्यूट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और उसमें इंडिया का रैंक था 140। इस साल 146 कंट्री को इवोल्यूट किया गया है और इसमें इंडिया का रैंक है 135। राइट, अगर ये जेंडर गैप इंडेक्स 2022 को बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टोटल चार फैक्टर को कंसिडर किया है कि पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा ये चार फैक्टर के अंदर कैसा काम किया गया है, उस चार फैक्टर को कंसिडर करके उसने ये टोटल इंडेक्स बनाया है। ओके, अभी कौन कौन से चार फैक्टर उसके बारे में बात करते हैं कि पॉलिटिकल इम्पावरमेंट। यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पावरमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा वुमेन्स को पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट पोजीशंस के अंदर वुमेन्स को कितनी जगह मिली गई है उसके बारे में यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पावरमेंट के अंदर बताया गया है। तो अगर आप उसके अंदर इंडिया का रैंक देखें तो 146 कंट्री में से 48 रैंक है इंडिया का, मतलब इसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको पता है अभी जो बहुत सारे जो पार्लियामेंट्स के अंदर बहुत सारी वुमेन्स हैं, उसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर भी वुमेन्स काम कर रही है। राइट, तो पॉलिटिक्स के अंदर तो वुमेन का अच्छा रोल है, लेकिन आप यहाँ पे देखो
कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर मैं बात करूं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मतलब लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसको बोला जाता है? लेबर फोर्स मतलब कि जो लोग इम्प्लॉयड है वो तो लेबर फोर्स में आई गई ही, लेकिन जो लोग अनइम्प्लॉयड है, जो लोग अनइम्प्लॉयड है वो भी लेबर फोर्स में आता है, राइट? अभी अनइम्प्लॉयड मतलब जो लोग ने अप्लाई किया है जॉब के लिए लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, जो लोग एलिजिबल है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है वो अनइम्प्लॉयड होते हैं, राइट? तो जो इम्प्लॉयड है और अनइम्प्लॉयड है वो दोनों लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। तो लेबर फोर्स के अंदर अगर मैं मेन के कंपेरिजन की अगर बात करूँ तो उसके कंपेरिजन में वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है इंडिया के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का रैंक है 143 आउट ऑफ 146, राइट? फिर एजुकेशनल अटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लिटरेसी के अंदर भी मेन के कंपेरिजन में वुमेन के लिए इतने इनिशिएटिव्स इंडिया के द्वारा नहीं लिए गए उनके लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, तो यहाँ पे भी इंडिया पीछे है। 107th रैंक है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। और ये हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द वुमेन की अगर मैं बात करूँ तो इस संस्था के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग, इंडिया के द्वारा कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए गए हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वुमेन एंड हेल्थ ऑफ द वुमेन के लिए। इसके लिए इंडिया का रैंक है लास्ट, 146 आउट ऑफ 146, राइट? तो ये टोटल चार फैक्टर को कंसीडर करके यहाँ पे ये रैंक, ये इंडेक्स लॉन्च किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जेंडर गैप इंडेक्स, राइट? और यहाँ पे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अलावा बाकी तीनों फैक्टर के अंदर हमने अच्छा काम नहीं किया है। ओके, ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2006 से लॉन्च करती है और यहाँ पे हर एक कंट्री को 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है, राइट? 1 शोज अ फुल जेंडर पेरिटी एंड 0 इज़ अ कम्प्लीट इम्पेरिटी। 0 क्या शो करता है कि उस कंट्री के अंदर कम्प्लीट इम्पेरिटी है, जेंडर इम्पेरिटी, और 1 क्या शो करता है कि उस कंट्री के अंदर एकदम जेंडर इक्वालिटी, फुल जेंडर इक्वालिटी है, राइट? ओके, अगर मैं अलग अलग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ इस इंडेक्स के अंदर, तो आइसलैंड हैज़ रिटेन इट्स पोजिशन एज अ वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री अमंग द 146 नेशंस ऑन द इंडेक्स, राइट? फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन आर द टॉप 5 कंट्रीज ऑन द लिस्ट रिस्पेक्टिवली। सबसे टॉप के ऊपर कौन है? वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री आइसलैंड, सेकंड नंबर पे फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ न्यूजीलैंड और स्वीडन आर द टॉप 5 कंट्रीज ऑन द लिस्ट रिस्पेक्टिवली। अफगानिस्तान इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन द रिपोर्ट, राइट? यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शन भी जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किए गए हैं कि साउथ एशिया विल टेक द लॉन्गेस्ट टू रीच द जेंडर पेरिटी। साउथ एशिया के अंदर जेंडर इक्वलिटी आने में बहुत टाइम लगेगा, विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी लाइकली इन 197 ईयर्स। 197 ईयर्स के अंदर साउथ एशिया के अंदर जेंडर पेरिटी आएगी, एक एस्टिमेशन किया गया है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी केरला ने प्रोटेस्ट किया है इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में। अभी इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? इको सेंसिटिव जोन्स ऐसे जोन होते हैं कि जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके आसपास के मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो उस प्रोटेक्टेड एरिया को बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन, राइट? इको सेंसिटिव जोन क्या होता है कि कोई नेशनल पार्क है उसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया, उसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एरिया, तो उस एरिया को बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पे कोई ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर जो स्पीसीज़ रहते हैं उनको हानि ना पहुँचे, या तो फिर स्पीसीज़ की वजह से ह्यूमंस को हानि ना पहुँचे। इसके लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया, मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एरिया इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है, राइट? तो यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ के अंदर ये इको सेंसिटिव जोन क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केरला को ऐसा बोला है कि केरला के अंदर जो 10 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उस 10 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कोई भी एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट? अभी ये इको सेंसिटिव जोन उसकी जो उसकी डेफिनेशन है ना, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिखा है लेकिन वो मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए, लेकिन मिनिमम का कोई प्रावधान नहीं है। तो केरला के जो 10 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके आसपास का एरिया प्रोटेक्टेड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा बोला है कि आपके ये जो 10 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसके आसपास एटलीस्ट 1 किलोमीटर का एरिया प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही है
कि हम 1 किलोमीटर के एरिया अभी हम प्रोटेक्ट करने के लिए जाएं तो वो पर्टिकुलर 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका हम क्या करें, राइट? ओके, तो ये कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है केरला और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, राइट? तो हर एक नेशनल पार्क और हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास का मैक्सिमम 10 किलोमीटर का एरिया वो इको सेंसिटिव जोन होता है। अभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि नेशनल पार्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक एरिया कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे स्पीसीज है, राइट? बहुत सारे स्पीसीज है कि जो एनवायरमेंटल साइकिल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो इन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट इस एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं उनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, राइट? वो एक ही ग्रुप के नहीं होते हैं, वो अलग अलग ग्रुप के होते हैं। अगर यही सेम एरिया अगर गवर्नमेंट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक ही ग्रुप के बहुत सारे स्पीसीज है, एक ही ग्रुप के हैं, उनके ग्रुप के अंदर वेरिएशन नहीं है, राइट? वो अलग अलग जाति के नहीं हैं, वो एक ही ग्रुप के हैं, तो यही सेम एरिया को बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? तो नेशनल पार्क के अंदर जो स्पीसीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के होते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो स्पीसीज होते हैं वो एक सेम ग्रुप के होते हैं, राइट? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि लीगल मेटोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल्स 2011 के अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लीगल मेटोलॉजी पैकेज कम्युनिटीज रूल्स 2011, ये यही रूल्स है कि अगर कोई प्री पैकेज कमोडिटी है उसके ऊपर, उसके पैकेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें प्रिंट की हुई है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो इस रूल के अकॉर्डिंग लिखी होती है, लीगल मेटोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल्स 2011। और यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए, उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे अलाउ किया है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को टू डिक्लेयर द सर्टेन मैंडेटरी डिक्लेरेशन थ्रू द क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड फॉर अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर इफ नॉट डिक्लेयर इन द पैकेज इटसेल्फ। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पैकेज के ऊपर कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती है तो उस उन चीज़ों को जो मैंडेटरी होती है, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर जो मैंडेटरी चीज़ नहीं लिखी है तो वो चीज़ वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर वो क्यूआर कोड के माध्यम से लिख सकते हैं। ओके, दिस ऑप्शन इज गिवन फॉर द 1 ईयर बिकॉज द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज़ द टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द पायलट बेसिस एंड विल डिसाइड टू एक्सटेंड इट बेस्ड ऑन द फीडबैक। ये जो ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को दिया गया है वो 1 साल के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट इस ट्रायल को पायलट बेसिस के ऊपर अभी चेक कर रही है, फिर उसको फीडबैक के माध्यम से वो आगे एक्सटेंड करेंगे, राइट? कि अगर यहाँ पे देखो कुछ मैंडेटरी चीज़ पैकेज के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आपको अगर कुछ मैंडेटरी चीज़ को क्यूआर कोड के माध्यम से डिस्प्ले करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बोला गया है, राइट? अभी क्या क्या पैकेज के ऊपर होना चाहिए और क्या क्या क्यूआर कोड के अंदर होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पैकेज के ऊपर MRP, फ़ोन नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरर और ईमेल एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये 3 चीज़ कंपलसरी है कि ये पैकेज के ऊपर ही होना चाहिए, राइट? लेकिन जो एड्रेस है मैन्युफैक्चरर का, कॉमन नेम ऑफ द कमोडिटी, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द कमोडिटी, ये भी एसेंशियल चीज़ है, लेकिन ये पैकेज के ऊपर ना हो और ये QR कोड के अंदर लिखा हो तो भी चलेगा। देखो MRP, फ़ोन नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरर और ईमेल एड्रेस तो पैकेज के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन बाकी के जो एडिशनल मैंडेटरी डिक्लेरेशन है सच एज एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कॉमन नेम ऑफ द कमोडिटी, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द कमोडिटी एंड कस्टमर केयर, ये QR कोड के माध्यम से अगर डिस्प्ले किया होगा तो ये अलाउ है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर, अभी गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया है 1 साल के लिए। ओके, कौन से एक्ट के अंडर में? लीगल मेटोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल्स 2011 के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ओके, अगर मैं लीगल मेटोलॉजी पैकेज कम्युनिटीज रूल्स 2011 की बात करूं तो ये रेगुलेट करता है प्री पैकेज कम्युनिटीज इन इंडिया एंड इंटर एलिया मैंडेट सर्टेन लेबलिंग रिक्वायरमेंट प्रायर टू द सेल ऑफ द सच कम्युनिटीज, राइट? तो जितनी भी प्री पैकेज कम्युनिटीज है उसको रेगुलेट करने का काम ये रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके,
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, डीजी यात्रा। डीजी यात्रा अभी कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन ने अभी डिस्कशन किया है डीजी यात्रा के ऊपर। अभी ये डीजी यात्रा क्या है फ्रेंड्स? तो डीजी यात्रा एक प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे जो चेक इन से लेके चेकआउट तक की पूरी प्रोसेस है ना, वो कॉन्टेक्टलेस बनाने की बात चल रही है, राइट। चेक इन से लेके चेकआउट तक की पूरी प्रोसेस कॉन्टेक्टलेस, राइट। तो ये हुआ डीजी यात्रा का मेन ऑब्जेक्टिव। अभी ये इकोसिस्टम, ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है, उसको बनाने के लिए एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 के अंदर। डीजी यात्रा फाउंडेशन एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में बनाई गई थी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को प्रोड्यूस करना, राइट। और ये डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को बनाने के लिए पैसेंजर आईडी को वैलिडेट करने का काम भी कौन करेगा? डीजी यात्रा फाउंडेशन। उसके लिए उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट के साथ भी पार्टनरशिप की है। वो सभी एयरपोर्ट्स के अंदर पैसेंजर आईडी को वैलिडेट करने का काम करेगा डीजी यात्रा फाउंडेशन, राइट। तो अभी डीजी यात्रा, ये जो डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा एक इकोसिस्टम जो बनाया गया है, उसका नाम है डीजी यात्रा। ये डीजी यात्रा को अभी इंडिया के 2 एयरपोर्ट्स के ऊपर, वाराणसी और बेंगलुरु के ऊपर अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि वो पूरा पैसेंजर को चेक इन से लेके चेकआउट तक जो कैसे कॉन्टेक्टलेस माध्यम से उनका चेक इन प्रोसेस किया जाए, ये पूरा जो इकोसिस्टम है जो उसने तैयार करके रखा है डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा, और उसका नाम है डीजी यात्रा। तो यहाँ पे उसको चेक किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वाराणसी और बेंगलुरु के अंदर, राइट। 2022 से फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली एंड हैदराबाद के एयरपोर्ट्स के ऊपर भी ये डीजी यात्रा को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल आइडेंटिफाई देयर एयरपोर्ट्स कि वेयर डीजी यात्रा वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेस मैनर, कि कौन कौन से एयरपोर्ट पे ऊपर ये डीजी यात्रा को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो डीजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा डीजी यात्रा बनाया गया है। डीजी यात्रा के अंदर पूरा ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टेक्टलेस बनाने की बात चल रही है। और अभी रिसेंट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वाराणसी और बेंगलुरु के अंदर ट्रायल बेसिस के ऊपर ये डीजी यात्रा अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और कौन से एयरपोर्ट के अंदर डीजी यात्रा इम्प्लीमेंट होगा, उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करेगा, ओके। ये डीजी यात्रा को इम्प्लीमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इन्हेंस द पैसेंजर एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड अ सिंपल एंड इजी एक्सपीरियंस टू द ऑल एयर ट्रैवलर्स, अचीव बेटर थ्रू आउट थ्रू एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग द डिजिटल फ्रेमवर्क, रिजल्ट इन द लोअर कॉस्ट ऑपरेशंस, डिटेल्स द करंट मैनुअल प्रोसेसेस एंड टू ब्रिंग द बेटर एफिशिएंसीज, इन्हेंस द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूव द करंट सिस्टम परफॉर्मेंस, राइट। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओवरऑल जो पैसेंजर को कंफर्ट मिले उनकी यात्रा के दौरान, उनकी जो ये जो टाइम जो यहाँ पे वेस्ट हो जा रहा है चेकिंग के अंदर, चेकआउट के अंदर, तो यहाँ पे वो सिंप्लीफाइड किया जा रहा है, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, गोल्ड 2.0। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मेटा, जो पहले उसका नाम था फेसबुक, उन्होंने अभी लॉन्च किया है द सेकेंड फेज ऑफ द गोल प्रोग्राम। गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर्स। ये गोल का जो फर्स्ट फेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था एंड इट वॉज कम्प्लीटेड बाई द दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 तक वो कम्प्लीट किया गया, मई 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था गोल का फर्स्ट फेज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, राइट। उसका मेन एम क्या है इस प्रोजेक्ट का? कि इट एम्ड एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द ट्राइबल यूथ एंड वुमेन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटर एंड मेंटी, राइट। तो यहाँ पे इस गोल प्रोग्राम के अंडर में क्या किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स है, जो एसटी कैटेगरी के, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के जो पीपल्स है एसटी कैटेगरी के, उनको लाइफ स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, इंटरप्रीनरशिप के बारे में, ये 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है डिजिटली, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। इन 3 चीज़ों के बारे में उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है कि इनको शेड्यूल ट्राइब के जो पीपल होते हैं उनको, राइट।
तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस जो जो कंडक्ट करवाता है वो कौन करवाता है, मेटा, जो पहले उसका नाम था फेसबुक। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने गोल्ड 2.0 के लिए भी उसके साथ पार्टनरशिप की है, राइट। और ये ऑनलाइन क्लासेस ये शेड्यूल ट्राइब के पीपल वो कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल होती है, टोटल 175 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, कि जहाँ पे ये ऐसे स्कूल होती है कि जहाँ पे जस्ट शेड्यूल ट्राइब पीपल्स ही पढ़ाई करते हैं, तो ये 175 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंडर में ST पीपल को ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन तीन चीज़ों के अंदर, राइट, लाइफ स्किल के अंदर, डिजिटल लिटरेसी के अंदर और इंटरप्रीनरशिप के अंदर, किसके द्वारा, मेटा के द्वारा, राइट, फेसबुक के द्वारा। ओके, तो ये गोल 2020 के अंदर पहला फेज़ लॉन्च किया गया था, अभी उसका सेकंड फेज़ लॉन्च किया जा रहा है, उसने अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलता है, और इसने मेटा के साथ पार्टनरशिप की है क्योंकि वो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर सके, डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड कर सके शेड्यूल टाइप के जो पीपल्स हैं। और कहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इकलवे मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के जो 175 स्कूल्स हैं वहाँ पे दिन के अंदर 6 लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाते हैं फेसबुक के द्वारा। ओके, कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो 6 ऑनलाइन लेक्चर वैसे कंडक्ट करेगा फेसबुक, राइट, लेकिन उसको कंडक्ट इंडिया में कौन करवाता है, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। और यहाँ पे ईच ऑफ द 175 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंडर में ये 6 डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे जो फेसबुक के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके अलावा ये जो क्लासेस को कैरी आउट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की गई है, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया बिकम्स अ टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2021। रेमिटेंस क्या होता है फ्रेंड्स, रेमिटेंस का मतलब है कि कोई इंडियन सिटीजन वो फॉरेन में इनकम जनरेट करके फिर वो इनकम को इंडिया के अंदर वापस भेजता है, उसको बोलते हैं रेमिटेंस, राइट। तो इंडिया वो टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट रहा है 2021 के अंदर, ऐसा किसने बताया है, WHO ने बताया है। एक्चुअली WHO एक रिपोर्ट लॉन्च कर रहा था, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, तो इस रिपोर्ट के आउटकम से ये WHO को जानने को मिला कि वो 2021 के अंदर इंडिया ने 87 बिलियन डॉलर रेमिटेंस को रिसीव किया है, राइट। द रिपोर्ट इज़ अ फर्स्ट टू ऑफर अ ग्लोबल रिव्यू ऑफ द हेल्थ एंड माइग्रेशन एंड कॉल्स फॉर द अर्जेंट एंड कंसर्टेड एक्शन टू सपोर्ट द रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट अक्रॉस द वर्ल्ड टू एक्सेस द हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर सेंसिटिव टू देयर नीड्स। देखो, इस रिपोर्ट को बेसिकली बनाया गया था कि रेफ्यूजीज और माइग्रेंट्स की वर्ल्ड लेवल के ऊपर हेल्थ का क्या कंडीशन है। तभी रेफ्यूजीज क्या होता है फ्रेंड्स, कि रेफ्यूजीज की जो जिनको अपनी कंट्री में से निकाला जाता है वो रेफ्यूजी होते हैं, वो कोई दूसरी कंट्री में इलीगली जाके रहते हैं वो रेफ्यूजी होते हैं। और माइग्रेंट्स क्या होते हैं, माइग्रेंट मतलब वो कोई काम के पर्पज़ से कोई दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो माइग्रेंट्स उनको बोला जाता है, राइट। तो रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स की वर्ल्ड लेवल के ऊपर उनकी हेल्थ का क्या स्टेटस है उसके ऊपर ये रिपोर्ट WHO बना रहा था, राइट। ये रिपोर्ट के दौरान WHO को क्या फाइंडिंग्स मिले कि इट स्टेट्स दैट कि ग्लोबली अबाउट 1 in 8 पीपल आर माइग्रेंट, राइट। टोटल 1 बिलियन आर माइग्रेंट्स ग्लोबल लेवल के ऊपर हम बात करें तो। अगर मैं 1990 से 2020 तक की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वॉज इंक्रीज फ्रॉम 153 मिलियन टू 281 मिलियन। इंटरनेशनल माइग्रेंट कितने इंक्रीज हुए हैं, 153 मिलियन से 281 मिलियन वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इंक्रीज हुए हैं। अबाउट 48% ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर वुमेन, जितने इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं उसमें से 48% वुमेन है और 36 मिलियन आर द चिल्ड्रन, राइट। एज ऑफ 2020 यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका होस्टेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट फॉलोड बाय द नॉर्थन अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कहाँ पे होस्ट होते हैं, कहाँ पे जाते हैं, तो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर, राइट। अगर मैं बात करूँ कि रेफ्यूजी सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज में से आते हैं, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान, तो ऐसी कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज आते हैं। ओके, अगर मैं रेमिटेंस की बात करूँ कि 2021 के अंदर टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपिएंट्स अमंग द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो
इंडिया ने 83 बिलियन डॉलर को रिसीव किया है। इंडिया रेमिटेंस रोज बाय 4.8% इन 2021, राइट। इंडिया ने टोटल 87 बिलियन 2021 के अंदर रिसीव किया है रेमिटेंस, और 83 बिलियन डॉलर था उसका 2020 के अंदर। उसका रेमिटेंस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 4.8%। चाइना ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया है, 53 बिलियन, जो सेकेंड नंबर पर है। मेक्सिको 53 बिलियन, फिलीपींस 36 मिलियन, और इजिप्ट 33 मिलियन, राइट। ओके, एज अ शेयर ऑफ द जीडीपी, द टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपेंट इन 2021, अगर मैं जीडीपी के परसेंटेज में बात करूँ कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर कंट्री जो रेमिटेंस रिसीव करता है वो उसके जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो टोंगा 44% फर्स्ट नंबर पे है। टोंगा 44%, लेबनान 35% अपने जीडीपी का, 35% वो रेमिटेंस रिसीव करता है। थर्ड नंबर पे किर्गिस्तान, फोर्थ नंबर पे तजाकिस्तान, और फिफ्थ नंबर पे हॉन्डुरास। ओके, इन मोस्ट अदर एरियाज रेमिटेंसेस हैव ऑल्सो रिकवर स्ट्रांगली, रजिस्टरिंग ग्रोथ ऑफ द 5 to 10% इन यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थन अफ्रीका, साउथर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, बट एट अ स्लोअर पेस ऑफ 1.4% इन द ईस्टर्न एशिया एंड द पेसिफिक एक्सक्लूडिंग द चाइना। कि रेमिटेंस का जो ग्रो है वो हर एक जगह पे 5 to 10% ऑन एन एवरेज मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न एशिया और पेसिफिक की, अगर मैं बात करूँ 1.4% वहाँ पे रेमिटेंस का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब वो थोड़ा सा स्लो है अगर हम चाइना को एक्सक्लूड करें तो, राइट। रेमिटेंस की वजह से इंडिया को क्या फ़ायदा होता है, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, और उसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है, वो भी रेमिटेंस की मदद से हम बहुत सारा सॉल्व कर पाते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को वो कम करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मजबूत करता है। ओके, कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमको इतना तो बेनिफिट है कि हम जितना ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करेंगे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, राइट, मजबूत होगा, राइट। तो मतलब माइग्रेशन वहाँ पे भी तो वहाँ पे तो काम में आता है, लेकिन जितना ज़्यादा माइग्रेशन होता है तो उसका सोशली क्या इम्पेक्ट होता है, मैं उसके बारे में बात करूँ कि ब्रेन ड्रेन। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन है कि वो दूसरी कंट्री में गया है अपनी कंट्री को छोड़ के, तो वहाँ पे क्या कि दूसरी कंट्री वाले लोग उसको बहुत सारी जगह पे उसको बॉयकॉट करेंगे, राइट, उसको थोड़ा सा दूर रखते हैं, है ना, उसको हर एक चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो मतलब उसके ऊपर एक स्ट्रेस हो जाता है कि भाई उसको यहाँ पे बाईपास किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा माइग्रेशन होता है उतना ज़्यादा सुसाइड के केसेस भी उन लोगों के अंदर बहुत ही देखने को मिलते हैं, WHO के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो राइट। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट है कि ज़्यादा माइग्रेशन से रेमिटेंस तो रिसीव होता है, लेकिन ज़्यादा माइग्रेशन से सोशली सुसाइड्स भी बहुत होते हैं, सुसाइड्स बहुत कमिट होते हैं, बहुत सारे लोगों का शोषण होता है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो एडवर्स इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, राइट। ओके, लोग डिस्क्रिमिनेशन और जीनोफोबिया से जीनोफोबिया को फेस करते हैं। जीनोफोबिया क्या होता है, इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल एज अ आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर, अपेयरेंस और प्लेस ऑफ द बर्थ। जीनोफोबिया किसको बोलते हैं, कि पीपल को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है आउटसाइडर की तरह, राइट, कि बिकॉज ऑफ द लाइक लैंग्वेज, कल्चर और अपेयरेंस और प्लेस ऑफ द बर्थ। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम से वो लोग फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से भी फेस करते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों का फिर माइग्रेंट्स का, रेफ्यूजीज का स्मगलिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, तो ये बहुत सारे फेसिस वो लोग फेस करते हैं अगर माइग्रेंट वो एक पर्टिकुलर माइग्रेंट है, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि कोई हर कोई जो माइग्रेंट होता है वो अच्छी जॉब के लिए जाता है, अच्छी कंडीशन वो वहाँ पे बेटर कंडीशन में है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अबोट मिशन फॉर द गगनयान, कि इसरो विल कंडक्ट द 2 अनमेन्ड अबोट मिशन इन 2022 टू इंश्योर द क्रू सेफ्टी ड्यूरिंग द गगनयान मिशन। अभी आपको फ्रेंड्स पता है कि हम गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं 2023 के अंदर। ये इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है जो स्पेस में हम लॉन्च करने वाले हैं, कि जहाँ पे हमारे क्रू मेंबर्स, जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे द्वारा लॉन्च किए गए व्हीकल्स के द्वारा वो स्पेस में जाएंगे। गगनयान मिशन 2023 के अंदर हम लॉन्च करने वाले हैं। तो ये गगनयान मिशन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक और मिशन अबोट मिशन लॉन्च किया गया है, और ऐसे 2 मिशन 2022 के अंदर इसरो लॉन्च करेगी। ये अबोट मिशन के अंदर कि जो हम 300 से 400 किलोमीटर जो हम अर्थ सरफेस से दूर जाने वाले हैं इस मिशन के अंदर, राइट, उस 300 से 400 किलोमीटर के हाइट के ऊपर अगर ये गगनयान मिशन फेल हो गया
तो क्रू कैसे वहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एक टेस्टिंग फैसिलिटी, टेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है कि क्रू अगर ये मिशन फेल हो गया तो वो कैसे बाहर निकलेंगे। एक टेस्टिंग सिस्टम ये अबोट मिशन के अंडर में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। ओके, अभी हम गगनयान की अगर मैं बात करूँ तो गगनयान 2023 के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। उसके अंदर हम तीन एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं और ये तीनों तीन एस्ट्रोनॉट्स को रशिया के द्वारा ट्रेन किया गया है। किसके द्वारा ट्रेन किया गया है? रशिया के द्वारा ट्रेन किया गया है। और ये गगनयान मिशन हम GSLV MK3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके ऊपर से हम ये गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, राइट। ओके, तो ये गगनयान मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है क्योंकि इंडिया पहली बार कोई क्रू को, कोई एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट के माध्यम से, अपने लॉन्च व्हीकल के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च करेगा और उनको स्पेस में भेजेगा। ओके, कि अबोट मिशन की अगर मैं बात करूँ तो अबोट मिशंस आर द मेन टू टेस्ट द सिस्टम्स दैट कैन हेल्प द क्रूज एस्केप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट मिड फ्लाइट इन द केस ऑफ द फेलियर। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट फेल हो जाए तो क्रू कैसे बाहर निकले, यहाँ पे एक टेस्ट सिस्टम है जो ये अबोट मिशन के अंदर में लॉन्च किया जा रहा है। इसरो ऑलरेडी कंडक्टेड अ पेड अबोट टेस्ट वेयर द क्रू कैन एस्केप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी एट द लॉन्च पेड। 2018 के अंदर इसरो ने ऑलरेडी ये टेस्ट कर लिया है। फॉर द अबोट मिशंस इसरो हैज टेन ऑफ द टेस्ट व्हीकल्स दैट कैन बी सेंड द सिस्टम्स अप टू द सर्टेन हाइट सिंपली सिम्युलेट द फेलियर एंड देन चेक द एस्केप सिस्टम, राइट। तो अबोट मिशंस के लिए इसरो ने एक टेस्ट व्हीकल्स बना के रखे हैं कि जो हाइट के ऊपर ओरिजिनल मिशन के अंदर जाना है वहाँ पे ये टेस्ट सिस्टम जाते हैं, फिर फेलियर को सिम्युलेट करते हैं और फिर एस्केप सिस्टम को चेक करते हैं, राइट। ओके, तो क्रू एस्केप सिस्टम विल सेपरेट फ्रॉम द क्रू मॉड्यूल बाय फायरिंग एक्सप्लोसिव यूनिट। फायरिंग एक्सप्लोसिव यूनिट के द्वारा क्रू एस्केप सिस्टम को पूरा सेपरेट किया जाता है क्रू मॉड्यूल से, राइट। यहाँ पे मैंने इसरो के द्वारा जो गगनयान मिशन जो लॉन्च करने वाले हैं हम उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इसरो के द्वारा 2023 के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है, राइट। लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पे 5 से 7 दिन यहाँ पे क्रू मेंबर्स रहेंगे और रिसर्च एक्टिविटी करेंगे, राइट। ओके, हम गगनयान मिशन को GSLV MK3 ऑल्सो कॉल्ड द LVM3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 इस व्हीकल के ऊपर से हम लॉन्च करने वाले हैं इस स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से, राइट। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।